एवरीवन, कैसे हो आप सब? जय स्वामी नारायण। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और मैं अभी तनाया मैडम को हेयर ऑयल करने वाली हूँ आज, फिर उसको नहलाऊंगी। और आज है 11 मई और आज सैटरडे है, तो सुबह से मैंने मेरे हस्बैंड के लिए टिफिन बनाया, ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने, मेरा किचन क्लीन किया है अभी, और सब काम मेरा बाकी है, जैसे झाड़ू पोछा करना है मुझे, अभी कपड़े समेटने हैं, फोल्ड करना है उनको, कल रात को मैंने कपड़े धो के सुखा लिए थे तो मुझे अभी उसको फोल्ड करना है, वो सब मेरा काम अभी बाकी है। तो मैंने सोचा पहले मैं तनाया को और अनंत को हेयर ऑयलिंग कर देती हूँ, फिर बाद में मैं सब काम स्टार्ट करूँगी, तो सोचा कि मैं अभी से मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, तो बस इसीलिए। और बताइए आप सब लोग कैसे हैं? और बस अभी खाना खाने में आज मैंने बनाया है टमाटर की सब्जी और रोटी, तो हम आज खाएंगे अभी दोपहर में। तो बस अभी मैं तनाया को और अनंत को हेयर ऑयलिंग करती हूँ, और मैं तनाया के लिए एक ऑयल बना के रखती हूँ, उसमें मैं नारियल का तेल, फिर अरंडी का तेल, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, जो बादाम का प्योर आलमंड ऑयल आता है ना, जो बादाम रोगन बोलते हैं वो वाला ऑयल, वो 5 ऑयल मैं मिक्स करती हूँ, और उसको मिक्स करके मैं एक कांच की बॉटल में भर के रख देती हूँ। फिर जब भी मुझे इसको लगाना होता है तब मैं थोड़ा सा जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी मैं एक बाउल में लेके फिर उसको डबल बॉयलर में थोड़ा सा वार्म कर लेती हूँ, और फिर इसके ऊपर सीख के ऊपर मैं मसाज करती हूँ। अनंत को भी मैं ऐसे ही लगाती हूँ, तो मैं इतने ऑयल मिक्स करके लगाती हूँ इसको, क्योंकि मेरे भी बाल बहुत आगे से कम हैं और तनाया के भी बहुत ही कम हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कम हैं, तो पहले से ही उसकी केयर करना ज़रूरी है ना, तो इसीलिए मैं इतने सारे तेल मिक्स करके लगाती हूँ उसको। हाँ, और इस ऐसे ये 5 ऑयल मिक्स करके लगाती हूँ तो मुझे इसके हेयर ग्रोथ में थोड़ा डिफरेंस भी लग रहा है, क्योंकि पहले तो इसके बाल बिल्कुल भी कम थे और अभी थोड़े अच्छे से घने हो रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर आप लोगों को भी आपके बच्चों को ऐसे तेल लगाना हो तो आप लोग ये 5 ऑयल मिक्स करके आप लोग लगा सकते हो। तो चलिए अब हेयर ऑयलिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा लगता है ऐसे ऐसे मसाज करती हूँ ना, तो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो मैं रात में ही मसाज कर देती हूँ, दिन में बहुत ही कम लगाती हूँ, रात को ही मैं उसको हेयर ऑयलिंग करके फिर सुला देती हूँ, पर कल रात को थोड़ा काम था तो रह गया था, तो मैंने सोचा आज सुबह कर देती हूँ, कोई बात नहीं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. अभी मैंने दोनों बच्चों की हेयर ऑयलिंग कर ली है, तो अभी मैं सब क्लीनिंग स्टार्ट करूँगी मेरे घर की, तो अभी मैं झाड़ू पोछा लगा लेती हूँ, और मैं डस्टिंग झाड़ू लगाने के बाद मैं डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि जब हम झाड़ू लगाते हैं तो जो जो सब बारीक बारीक जो होता है वो सब उड़ के फिर से वापस उड़ने ही वाला है, तो मैं झाड़ू लगा के फिर डस्टिंग करती हूँ, और बिने वेट क्लोथ से मैं पोछ लेती हूँ मेरा सारा फर्नीचर बस। तो अभी मैं पहले घर की क्लीनिंग कर लूँगी, फिर बाद में मैं आप लोगों से बात करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरी छोटी सी बेटी मुझे कितनी हेल्प करती है, देखिए अभी वो पोछा लगा रही है। अभी से इतना काम करती है तो बड़ियों के कितना हेल्प करेगी मुझे, है ना? सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को राब की रेसिपी मैं दिखाती हूँ आज आप लोगों को।
राब और कोई नहीं बनाता है, जैसे हम लोग कच्छी है ना, कच्छी पटेल जो होते हैं वो लोग ये राब पीते हैं। जैसे ये राब बनती है, ये गेहूं का है, फिर जुआर की बनती है और गेहूं की बनती है। तो गेहूं को ऐसे हम पीसवा लेते हैं, थोड़ा बारीक मोटा मोटा ऐसा। फिर इसको अभी मैं पकाऊंगी और जब ये ठंडा हो जाएगा, ये मैं आज बनाऊंगी तो मैं कल इसको यूज़ करूंगी, ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद में। तो ये जब बन जाएगा तो इसको मैं छाछ में उसको मिक्स करके फिर हम लोग पीते हैं। और हम लोगों ये कच्ची पटेल में हम लोग ये समर में मस्ट रेसिपी है हमारी। हमारे हर कच्ची पटेल के घर में ये राब की रेसिपी तो बनती ही है और हम लोगों को बहुत ही अच्छी लगती है ये। तो आज मैं आप लोगों को ये दिखाती हूँ कि हम लोग ये कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने ये गेहूं का जो थोड़ा मोटा दरदरा सा पीसा हुआ है वो मैं लेती हूँ। मैं एक कटोरी जितना लूँगी, फ्रेश ही बनाती हूँ मैं। जैसे आज मैं बनाऊँगी तो हम लोग ये कल ख़त्म कर देंगे, फिर मैं कल नेक्स्ट बनाऊँगी तो फिर परसों पियेंगे, ऐसे मैं फ्रेश ही बना देती हूँ। तो इसको मैं लेके अब इसमें मैं पानी डालूंगी, मैं इसको भीगने रख दूंगी। अभी 1-2 घंटे तक ये भीगेगा, फिर मैं उसको बनाऊंगी तो क्या है जल्दी हो जाएगा। और कोई लोग मैं तो इसमें पानी ही डालती हूँ, मगर किसी के पास अगर छाछ होती है ज़्यादा तो वो लोग, कुछ लोग छाछ में बनाते हैं, पकाते भी छाछ में हैं, और कोई लोग छाछ पानी मिक्स करके भी बनाते हैं। जैसे आप लोगों को सूट करता है वैसे आप बना सकते हो। तो मैं तो पानी में ही बनाती हूँ, फिर छाछ में उसको मैं मिक्स कर देती हूँ। तो मैं अभी इसमें पानी डालूंगी। मैं पानी अंदाजे से डालती हूँ, जैसे ऐसे अंदाज आना चाहिए कि ये इतना जो आटा है ये इसमें पक जाएगा। तो मुझे मैंने दो एक कटोरी लिया है मैंने ये आटा, और इसमें अभी मैंने 2 ग्लास डाले हैं। मुझे अभी लग रहा है कि 1 ग्लास और चाहिए, तो मैं एक आधा ग्लास और मैं डाल के इसको ढक के अभी मैं रख दूंगी। अब जब मैं शाम को खाना बनाऊंगी, डिनर बनाऊंगी, तभी मैं इसको एक साइड गैस पे चढ़ाऊंगी, तो फिर ये अपने आप हो जाएगा। तो अभी मैं इसको ढक के रख देती हूँ। ये बनाते वक्त इसमें हम नमक भी डालेंगे। फ्रेंड्स हेलो। दोपहर का हमने खाना खा लिया था, मैंने आप लोगों से दोपहर को बात करी थी। फिर हम लोगों ने खाना खाया, मैंने झाड़ू पोछा सब काम खत्म किया, और अभी बज रहे हैं 5:45। अभी 5:45 बज रहे हैं और अभी हम तनाया और अनंत अभी जस्ट उठे हैं, और तनाया अभी दूध पी रही है, अनंत ने दूध पी लिया है, और मैं बस ऐसे ही बैठी हूँ। और मैंने आज मेरे मैं आज ओट्स खाने वाली हूँ, मैंने ओट्स बनाए हैं मेरे लिए, और मैं ओट्स सुबह में नहीं खाती हूँ। मैं जब भी मुझे मन करता है, शाम को कुछ भूख लगती है तो मैं शाम को ओट्स खाती हूँ, नहीं तो फिर मैं ममरा बोलते हैं ना जो कुरमुरा, मैं उस टमाटर और ककड़ी वो डाल के मैं वो खा लेती हूँ, उसकी मील बना के, और कभी कभी ओट्स खा लेती हूँ, ऐसा चलता रहता है। तो आज मन किया कि मैं ओट्स खाऊँ, और मैं ओट्स में आज मैंने बॉर्नविटा डाल के बनाया है। आप एक बार ट्राई करना, जब भी ऐसा लगे ना कि ओट्स अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं बॉर्नविटा डाल देती हूँ उसके अंदर, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो वैसे भी बॉर्नविटा बहुत पसंद है, तो मैं कभी कभी दूध पीती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता ना दूध, तो मैं अभी भी इतनी बड़ी हो गई हूँ फिर भी मैं दूध में भी बॉर्नविटा डाल के पी लेती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं ओट्स में भी बॉर्नविटा डालती हूँ, आखिर बार ट्राई जरूर करना, अच्छा लगेगा। और मैं ओट्स में मुझे एकदम से फीके ओट्स पसंद नहीं आते हैं, तो मैं उसमें थोड़ा सा उसको मीठा बनाने के लिए जब ओट्स एकदम बन जाते हैं बाद में मैं उसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ, दूध, तो उससे वो थोड़ा मीठा हो जाता है। चीनी डालने से तो शुगर डालेंगे तो फिर अनहेल्दी हो जाएगा ना, फिर ओट्स खाने का कोई मतलब नहीं है, तो मैं उसमें गुड़ डाल देती हूँ। पहले से गुड़ डालेंगे तो दूध फट जाएगा, तो इसीलिए जब ओट्स बन जाते हैं फिर बाद में मैं उसमें गुड़ डाल के मिक्स कर देती हूँ, तो वो चलता है। तो बस यही है, ऐसे ही करती हूँ मैं। आप लोग एक बार ट्राई करना, बहुत मीठा डाल के खाना, मस्त लगता है, जोरदार।
है ना। और अभी मुझे कपड़े फोल्ड करने हैं, सुबह से नहीं किए, दोपहर का सब काम करके सुबह में फिर मैं थक गई थी, तो दोपहर को थोड़ी देर मैंने आज रेस्ट किया। और पता नहीं आज वैसे मेरी कमर बहुत दर्द कर रही है, तो आज सोचा कि मैं थोड़ी देर आज आराम कर लेती हूँ, तो मैं सो गई थी। अभी उठी हूँ तो फिर अभी करेंगे धीरे धीरे। और आज मैं दोनों बच्चों को पार्क में ले जाऊँगी, यहाँ पास में ही एक पार्क है, आज हम वहाँ जाएंगे, खाना बना के जाऊंगी, फिर आके खाना खाएंगे। तो तब तक थोड़ा बाहर वेदर एकदम गर्म है, अभी पूरा सूरज तप रहा है, जैसे 6 बजने आए हैं फिर भी इतनी गर्मी है बाहर। तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम लोग जाएंगे गार्डन। तब तक तो चलिए, अभी ओट्स तो मेरे थोड़े ठंडे हो गए हैं, तो मैं अभी खाती हूँ। फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ किचन में, अभी मैं डिनर की तैयारी करूँगी। तो आज मैं डिनर में बनाने वाली हूँ दाल चावल और रोटी। अनंत को आज दाल चावल खाने हैं, तो मैं अभी दाल चावल और रोटी बनाऊँगी। मैं मेरे घर पे दाल चावल मोस्ट रात को ही बनते हैं, नहीं तो फिर संडे के दिन बनते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड दाल चावल टिफ़िन में नहीं ले जाते हैं, उनको पसंद नहीं है टिफ़िन में ले जाना। वो बोलते हैं मैं दाल चावल दोपहर में खाता हूँ फिर मुझे बहुत नींद आती है, तो वो टिफ़िन में नहीं लेके जाते हैं, तो फिर मैं दोपहर को नहीं बनाती हूँ। कभी कभार एक महीने में एक दो बार, एक आध बार ही मैं दोपहर में बनाती हूँ, कभी बच्चों का मन बहुत करता है तो, नहीं तो फिर मैं रात को ही बनाती हूँ। तो आज मैं दाल बनाऊँगी, सिंपल दाल बनाऊँगी। किचन में ये ठीक कर लूँ, फिर स्टार्ट करती हूँ खाना बनाना। के बर्तन थे वो मैंने जमा लिए हैं, अब ये दोपहर के बर्तन अभी मैं करूँगी। उससे पहले मैं दाल चढ़ा देती हूँ, चावल ऑलरेडी मैंने भिगो के रख दिए हैं, मैं एक बार दाल चढ़ा देती हूँ। दाल में नमक डालती हूँ और मूंगफली डालती हूँ, मूंगफली का दाना थोड़ा मैं इसमें डालती हूँ। तभी मैं इसको बॉईल करने रख दूंगी, तब तक मैं बर्तन कर लूंगी। और मेरे चावल भी भिगो दिए हैं तो वो भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं चावल आधे घंटे तक टाइम होता है तो मैं हाफ एन आवर चावल को भिगा देती हूँ, उसके बाद ही मैं उसको चढ़ाती हूँ। तो उससे क्या होता है कि कुकिंग प्रोसेस थोड़ी कम हो जाती है और चावल एकदम खुले खिले खिले बनते हैं, तो मैं उसको पहले भिगा देती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने दोपहर को आपको जो राब वाली रेसिपी के बारे में बताया था ना, तो वो अभी भीग गई है, तो अभी मैंने गैस ऑन कर दिया है और अभी मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक अंदाजे से डालना है आपको, जितना चाहिए। number,
चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो ये नीचे स्टिक हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ी थोड़ी देर से चलाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स मेरी दाल अभी हो गई है, तो मैं एक साइड चावल के लिए पानी बॉईल करने रख देती हूँ, फिर उसमें मैं चावल डालूंगी और उसको मैं पकाऊंगी। रोटी मैं सबसे लास्ट में बनाऊंगी। और मैंने इसमें दही जमाया है, देखते हैं जम गया है, एकदम अच्छे से जम गया है, दिख रहा है आपको। मैं इसी में दही जमाती हूँ, तो अभी मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। मैंने सुबह में जमाया था, इतनी गर्मी है तो इतनी देर में तो जम भी गया। अभी मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो फिर बहुत खट्टा हो जाएगा। ये राब की रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी लगती है। और गर्मी में तो ये पीने से बहुत ही ठंडक मिलती है, बहुत अच्छी होती है गर्मियों की सीज़न के लिए, तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना। इसमें जुआरी की राब भी बनाते हैं, तो मुझे जुआरी की राब इतनी पसंद नहीं है। मुझे पसंद है जुआरी, लेकिन इतनी नहीं है। मुझे गेहूं की राब बहुत पसंद है, तो मैं गेहूं की ही बनाती हूं, जुआरी की मैं नहीं बनाती हूं। सो फ्रेंड्स देखिए, अभी ये पहले से थोड़ी थिक हो रही है। अभी थोड़ी देर है इसको बनने में, थोड़ी देर लगेगी अभी। ये राब की रेसिपी आप घर पे जरूर ट्राई करना, और आप लोग ट्राई करना, पीना, और फिर मुझे कमेंट करना, बिल्कुल मत भूलना। हाँ, कमेंट मुझे ज़रूर करना कि आप लोगों को कैसी लगी मेरे राब की रेसिपी। हम कच्ची पटेल तो इसको बहुत चाव से पीते हैं। ये ऑलमोस्ट अभी होने को है, बन गई है अभी। हमारे वहाँ गांव में, कच्छ में जो फार्मर होते हैं ना, अभी तो बहुत कम लोग खुद से खेती करते हैं, पर पहले के ज़माने में जो होते थे वो लोग ये बना के अपने साथ ले जाते थे, छाछ में मिक्स करके, फिर साथ में वहाँ पे जाते थे। तो दोपहर के टाइम जैसे खेत में तो पहले जाते हैं ना सुबह में जल्दी, तो फिर दोपहर के टाइम जैसे 10 बजे बीच में भूख लगती थी, तो फिर बीच में वो लोग समर के टाइम में ये राब और इसके साथ गुड़ और प्याज खाते थे। हम लोग प्याज नहीं खाते हैं, तो मैं तो इसके साथ गुड़ खाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अगर प्याज खाते हो तो प्याज, गुड़ और ये राब आप ये खा के ट्राई करना। ये अभी बन के तैयार है, एकदम से हो गई है अभी ये। तो अभी मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और इसको मैं अभी रख दूँगी। अभी ये ठंडी होगी तो मैं इसको कल यूज़ करूँगी। मैं कल के वीडियो में आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसको छाछ में कैसे मिक्स करते हैं। दाल का तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने अदरक को कूट लिया है और मैं अभी टमाटर काट रही हूँ तड़के के लिए। जीरे का तड़का ही लगाऊंगी, गुजराती दाल नहीं बना रही हूँ मैं, ऐसे ही दाल फ्राई टाइप का कुछ बना रही हूँ। तो इसमें मैं जीरा का तड़का लगाऊंगी। गुजराती दाल बनाती तो मैं उसमें राई भी डालती, सरसों के दाने भी डालती। इसमें मैं अदरक मैंने कूट लिया है, अदरक डालूंगी।
डालूंगी। टमाटर के ऊपर नमक डालने से टमाटर जल्दी गल जाते हैं। नमक मैं थोड़ा संभाल के डालूंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी दाल को जब बॉईल किया था तभी मैंने उस पर नमक डाला था। देखिए अभी टमाटर एकदम गल गए हैं, तेल एकदम ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा ये टमाटर का जो हमने प्योरी डाल के जो बनाया था टमाटर काट के वो अभी भून गया है। तो अभी मैं इसमें मसाले करूँगी। तो अभी मसाले में मैं इसमें डालूँगी हल्दी, ये नींबू मेरी सासू माँ ने मुझे भेजे थे, मेरी सासू माँ गांव में रहती है वहाँ से उन्होंने भेजे थे हमारे फार्म के ये नींबू हैं। कितना बहुत अच्छा है रस इसमें, बहुत ही अच्छे हैं नींबू। मैं अपने गांव जाऊंगी मेरे ससुराल, तो मैं वहाँ वीडियो करूंगी और आप लोगों को मेरा गांव दिखाऊंगी, मेरा ससुराल का गाँव कैसा है। अभी नींबू डाल दिया और थोड़ी सी खटास को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें गुड़ डालूंगी, बहुत नहीं थोड़ा ज्यादा, थोड़ा सा बहुत ही कम। वो बहुत सरस छे, मेरी सासू मम को, मेरी सासू माँ भी मेरे व्लॉग्स देखती है गांव में, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी नींबू बहुत अच्छे हैं, दो तीन दिन से भेजे हैं उन्होंने पर मैंने आज पहली बार यूज़ किए हैं, तो उनको बोलना तो पड़ेगा ना कैसे हैं। सो फ्रेंड्स मेरा अभी सारा काम ख़त्म हो गया है, मैंने किचन क्लीन कर लिया और घी के जो बर्तन थे थोड़े बहुत वो भी हो गए, खाना पीना सब हो गया है अभी। और अभी मैं कपड़े फोल्ड करने बैठी हूँ, सुबह से बोल रही थी मुझे कपड़े फोल्ड करने, तब अब जाके उसकी बारी आई है कपड़े फोल्ड करने की, तो अभी मैं कपड़े फोल्ड करूँगी, फिर थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलूँगी और फिर बस उसके पापा आ जाएंगे, फिर थोड़ी देर बैठेंगे बातें करेंगे। और बस यही है, हम इंडियन हाउस वाइफ का यही चलता रहता है, कुछ ना कुछ काम तो होता ही है घर पर, और जॉब करते हैं फिर भी घर से काम करके जाते हैं, वापस आके सब करना है वो तो चलता ही रहता है, लेडीज़ का काम ही है, काम करो बस। और अच्छा भी लगता है ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मेरे घर का काम करना, बच्चों को संभालना उसका सब, तो मैं करती हूँ बड़े चाव से करती हूँ। मैं मेरे केक का ऑर्डर नहीं है अभी, दो तीन दिन से नहीं आ रहे हैं, तो अच्छा है थोड़ा मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, और जब ऑर्डर होता है ना तब तो मैं बहुत ही थक जाती हूँ, उसका करना होता है घर का सब काम वो तो चलता ही रहता है। सो और ये मई महीने, ये फिफ्थ मंथ मई महीने में हमारे घर में तीन लोग का बर्थडे होता है, पहले इसके पापा का, मेरे हस्बैंड का है, फिर अभी अनंत का गया और अभी तनाया का बर्थडे आएगा। 21 मई को तनाया का बर्थडे है, तो बर्तनाया का बर्थडे हमने सोचा है थोड़ा उसमें सेलिब्रेशन करेंगे, थोड़े गेस्ट को बुलाएंगे ऐसा हमने सोच के रखा है, अभी देखते हैं, अभी तो देरी है 21 को, तो देखेंगे तब कैसा सेटिंग है कैसा है सब, तो हम वो करेंगे। मैं बहुत बोल लिया है अभी मैंने, आप लोग सोचोगे कितना बक बक करती है। तो बस अभी मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन होता है वो उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, और लाइक भी करना और शेयर भी करना, ठीक है? तो बस बाय बाय, गुड नाइट, जय स्वामी नारायण।